हेलो नमस्कार। कक्षा 12 में डे 163 में मैथ्स टॉपिक पढ़ाया था गोलीय दूरदर्शी। पिछली क्लास में हमने डे 162 में बात की थी दूरदर्शी किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, जिसमें हमने बात कर लिया दो प्रकार की होती है परावर्ती और अपवर्ती, उसमें भी दो दो भाग है। अपवर्ती फिर दो प्रकार की होती है खगोलीय और पार्थिव, जिसमें हम बात कर रहे हैं खगोलीय दूरदर्शी की। और बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है दूरदर्शी की, अगर बात करें तो इनके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और कितने नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा 4 नंबर पूछा जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी का सिद्धांत लिखिए, बनावट और किरण चित्र बनाते हुए इसके लिए आवर्धन क्षमता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन। अब पहले तो हमने इसके सिद्धांत की बात कर ली थी। सिद्धांत में मैंने पहले भी बात कर ली, जिस तरह से सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ा हमने, सेम वैसे ही इसके बारे में भी। यानी सिद्धांत में हम क्या लिखते हैं कि वस्तु कहाँ स्थित है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और फिर अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बस ये जो बात हम बताते हैं ये इसका सिद्धांत होता है। तो सबसे पहली बात तो वस्तु है कहाँ, हम कहाँ से देखते हैं इसको, जो दूर वस्तु स्थित है वो देखते हैं इसके द्वारा। और दूर के लिए हमने बात की थी निकट बिंदु दूर बिंदु के लिए, तो सामान्य हमारी आंख के लिए दूर बिंदु कोई वस्तु बहुत दूर स्थित है तो हम उसको अनंत पर मानते हैं, अनंत पर, कि हमारी आंख की फोकस दूरी की तुलना में वो बहुत अधिक है, इसलिए वो कहाँ पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, दूरदर्शी कोई भी हो, प्रकाश किरणें कहाँ से आएंगी, अनंत से आएंगी, यानी वस्तु से आएंगी, वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, तो अनंत से प्रकाश किरणें आएंगी, अनंत से। और जब भी अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं और उत्तल लेंस पर आपतित होती हैं तो उनका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है, ठीक है, फोकस बिंदु पर बनता है। लेकिन जब किसी कोण पर आपतित होती है तो उसी कोण के अनुसार प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसकी हम बात करेंगे अभी डायग्राम में। तो इसमें क्या होता है, प्रकाश किरणें किसी लेंस पर आपतित होती है, इसमें लेंस भी देखो दो यूज किए जाते हैं, यहां पर भी कोई दो लेंस होते हैं, अभिनेत्र लेंस और अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, जिसके सामने वस्तु है, यानी जिस पर प्रकाश किरण वस्तु से आने वाली आपतित होगी वो ऑब्जेक्ट लेंस है। लेकिन यहाँ एक बात अलग है कि इस लेंस का द्वारक बड़ा होता है और द्वारक बड़ा होता है और फोकस दूरी ज्यादा होती है। हमने जब सूक्ष्मदर्शी में बात की थी उसकी तुलना करें साथ साथ, तो सूक्ष्मदर्शी में बात की थी वहां हमने लिया था ऑब्जेक्ट लेंस जो है वो छोटा होता है और अभिनेत्र लेंस जो होता है आईपीस वो बड़ा होता है। लेकिन इसके अंदर उल्टा है, ये स्थिति होगी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट लेंस है वो बड़ा होगा, उसका द्वारक उसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होगी। तो ये दो बात हमें इसमें बतानी की है क्या, कि इस दूरदर्शी में दो लेंस प्रयोग में लिए जाते हैं, जिस लेंस पर प्रकाश किरणें आपतित होती है वस्तु से चलकर उसका फोकस दूरी ज्यादा होती है और उसका द्वारक बड़ा होता है, उसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं, इस बात को आप नोट कर लिए। दूसरी बात कि जहां से प्रतिबिंब देखा जाता है उसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं, इसकी फोकस दूरी कम होती है और इसका द्वारक छोटा होता है। जब हम डायग्राम में बनाएंगे तो डायग्राम देख के भी लिख सकते हो, भाई इसकी फोकस दूरी ज्यादा है, इसका द्वारक बड़ा है, ये अभिदर्शक है। इधर जो होगा जहां से हम देखेंगे आंख के पास होगा वो आईपीस है, उसकी फोकस दूरी कम होगी और द्वारक छोटा होगा, उसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं। अब बात आती है सिद्धांत की, सिद्धांत क्या है, अनंत से चलने वाले प्रकाश किरणें अभिदर्शक लेंस से गुजरने के बाद फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनाते हैं। यह प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिससे अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बस ये बात बतानी है। बस वस्तु कहाँ स्थित है, अनंत पर स्थित है, वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस बिंदु पर बनेगा, किसके लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए। फिर आगे कौन सा लेंस है, अभिनेत्र लेंस है, उसके लिए क्या करेगा, वो वस्तु का कार्य करेगा और फिर अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, अगर किसी ने सूक्ष्मदर्शी पढ़ रखा है अच्छी तरीके से तो उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं पढ़ रखा है तो पहले वही पढ़ लें, बाद में ये आप देखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब हम उसके सिद्धांत की और उसकी डायग्राम की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ बढ़ा देता हूँ, फिर कैलकुलेशन करेंगे इसकी। ये है क्या, ऑब्जेक्ट लेंस, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट लेंस, ये इसका
प्रकाशी केंद्र है जहां से प्रकाश किरण हमेशा बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। डायग्राम के लिए जैसे हमने सूक्ष्म दृश्य बनाया था टुकड़ों में बनाओ तो दिक्कत नहीं आएगी इसी तरह से। यहाँ बनाना चाहे तो बना भी लें, लेकिन ध्यान रखें फिर आगे जब हम इसका किरण चित्र पूरा करेंगे तो ध्यान रखना है हमें कि इस लेंस के बाहर नहीं जानी चाहिए प्रकाश किरण, यहीं तक ही। अब देखो प्रकाश किरण यहां से चलकर अनंत से आ रही है, ये बात ध्यान रखें। ये कहां से आ रही है? अनंत से आ रही है, ठीक है। हम दोनों स्थिति ले लेंगे, निश्चित बिंदु से आए तो प्रतिबिंब बने और अनंत पर अगर प्रतिबिंब बने तो क्या स्थिति होगी वो हम बाद में लास्ट में बात करेंगे। ये जो कोण है मुख्य अक्ष के साथ बन रहा है, ये वस्तु का बनने वाला कोण है जो क्या है? अल्फा। वस्तु के लिए अल्फा लेते हैं। आवर्धन क्षमता जब ज्ञात करते हैं बीटा अपॉन अल्फा, प्रतिबिंब का अंतिम प्रतिबिंब का नेत्र से बनने वाला कोण और वस्तु का नेत्र से बनने वाले कोण के अनुपात। तो यहां ये इस तरह से और यहां पर बन गया प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ए भी वस्तु अनंत पर है तो हमें दिखाई नहीं देगी। यहां से प्रकाश किरण क्या होगी? सी से जाएगी और इसका फिर यहां से अपवर्तन होगा तो ये इधर, तो इनकी दूरी बढ़ती रहेगी कहीं पर नहीं मिलेगी। इधर से हम प्रकाश को देख रहे हैं प्रतिबिंब को, तो क्या करेंगे? इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी लेकिन इनको पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये मिलती हुई हमें प्रतीत होंगी। और जहां मिलती हुई प्रतीत होंगी वहीं पर अंतिम प्रतिबिंब बनेगा जो ए डबल डैश और पी डबल डैश होगा। अब देखें इसमें अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें कहां पर प्रतिबिंब बना रही है? फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बना रही है। ये कोण अल्फा है तो इधर से ये कोण भी क्या होगा? अल्फा होगा। दो रेखाएं एक दूसरे को काट लिए, बनने वाले कोण समान रहते हैं। अब देखो वस्तु तो ये तो अनंत की बात होगी, इधर से देखें तो यहां से इस लेंस के लिए ये आईपीस है, इसको ई से लिखते हैं। ओ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट लेंस। ई का मतलब क्या है? आईपीस अभिनेत्र लेंस, अभिदर्शक कहते हैं इसको। इसके बारे में हमने पहले बात कर ली, थोड़ा सा शॉर्ट में आप लिख दे, देर से पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं अभिनेत्र लेंस। केवल क्या होते हैं वो हमें बताना है। अब देखिए यहां से कि इसके लिए ये प्रतिबिंब है, इसके लिए ये क्या है? प्रतिबिंब है। तो यहां ये क्या हो गया? जो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? फोकस बिंदु पर बन रहा है। इसलिए ये जो बिंदु है इसको हम ए डैश तो मान रखे हैं। वैसे देखा जाए तो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए फोकस बिंदु ही, फोकस बिंदु को कैपिटल एफ से लिखते हैं तो इसको एफ ओ लिख सकते हैं। फोकस बिंदु की दूरी फोकस दूरी होती है जिसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं? एफ ओ। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। प्रकाश किरण की गति की दिशा के अनुसार दूरियां मापते हैं। प्रकाश किरण की गति की दिशा में जो दूरियां लेते हैं वो पॉजिटिव होती हैं, अपोजिट लेते हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो ये आ रही है प्रकाश किरण की डायरेक्शन भी बना लें, दूरियां प्लस माइनस लेने में दिक्कत नहीं आएगी और ये इस तरह से इधर जा रही है। अब हमें जब इस लेंस की बात कर रहे हैं तो यहां से देखना है, यहां से जब ए डैश बी डैश तक जाएंगे तो हम भी इधर ही जा रहे हैं और प्रकाश किरण भी इधर ही जा रही है, इसलिए ये दूरी किस में आएगी? प्लस में आएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये ही इसके लिए किसका काम करेगी? वस्तु का काम करेगी। ये जो प्रतिबिंब है वो इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगी। इसका मतलब ये कौन सी दूरी हो गई? ये हो गई वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को लिखते हैं यू से और लेंस को लिखा है ई से, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? यू ई। लेकिन जब इस दूरी की बात करेंगे हम
तो हमें ये देखना है कि ई लगा दिया तो ई का मतलब कौन से लेंस के लिए लगाया है, अभिनेत्र लेंस के लिए, आईपीस के लिए। इसलिए ये दूरी हमें कहां से मापनी है, अभिनेत्र लेंस से। यहां से इसके सी से हम चलेंगे तो ए डैश बी डैश तक आने के लिए हमें किधर जाना पड़ेगा, इस बिंदु से इस दिशा में आना पड़ेगा। और जब इस दिशा में आएंगे तो हम अपोजिट जा रहे हैं प्रकाश किरण के, इसलिए ये दूरी किस में आएगी, माइनस में आएगी। इसी तरह से ये अंतिम प्रतिबिंब बन गया, तो इसकी ये जो दूरी है वो टेलीस्कोप जो होता है उसको आगे पीछे खिसका के उसकी नली को कम ज्यादा किया जा सकते हैं। तो ये इस तरह से रखते हैं इसको कि प्रतिबिंब देखने की न्यूनतम, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बढ़े, इसलिए मिनिमम विजिबल डिस्टेंस लेते हैं। तो ये वैसे तो वी ई होगा जो किसके बराबर होगा, डी के बराबर। तो माइनस वी ई है तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस डी लिखेंगे। तो वी ई रख दे, या बाद में वी ई की जगह डी रखोगे या डायरेक्ट तुम डी रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। ये इतनी बातें हो गई। अब बात करते हैं नली की लंबाई, सबसे पहले बात ही कर लेते हैं, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होगी, अगर इनसे न्यूमेरिकल आता है तो इस बात का जरूर यूज होगा कि नली की लंबाई 30 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर है, हम ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे बाद में। तो इस नली की लंबाई देखो कैसे बढ़ेगी, इन दोनों के बीच की दूरी होती है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी ही, इसे ही सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई कहते हैं, इसे ही दूरदर्शी की भी नली की लंबाई कहते हैं, दोनों के लिए कॉमन बात है। तो यहां से अगर देखें तो इनके बीच की दूरी कितनी है, एक टुकड़ा ये प्लस दूसरा टुकड़ा ये जोड़ दे। अब ये टुकड़ा कितना है, एफ ओ है, ये टुकड़ा कितना है, यू, माइनस ही नहीं करना है, दूरी है ना, दूरी जोड़ना ही है इसको, इसका परिमाण नहीं है। तो दिशा बताता है कि प्रकाश किरण किधर जा रही है, ये तो वो बताता है, हमें क्या लेना है, दूरी लेनी है। तो दूरी क्या लेनी है, प्लस में लेनी है। तो यहां से नली की लंबाई क्या आएगी, सामान्य स्थिति में दूरदर्शी की नली की लंबाई, वैसे हम बाद में डिटेल से लिख लेंगे इसको, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखो दूरदर्शी की नली की लंबाई क्या होती है, एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस यू ई, एफ ओ प्लस एफ ई भी लिखते हैं इसको, वो बाद में बात करेंगे क्या स्थिति है वो, सामान्यतः ये स्थिति इसकी रहती है। अब बात करनी है हमें इसके डेरिवेशन की, तो पहले तो ये चीज आपको क्लियर हो जाए तो फिर दिक्कत नहीं है डेरिवेशन के अंदर, ये इसको आप अच्छी तरह से देख लिए समझ लिए पहले क्या स्थितियां हैं। अब हमें लेना है इसकी आवर्धन क्षमता का मान निकालना है, तो ये बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब, ये बन रहा है अंतिम प्रतिबिंब, इसका जो कोण बढ़ेगा वो ये कोण बढ़ेगा, ये कोण बढ़ेगा, और ये कोण क्या है, बीटा है। देखो दोनों दूरियों को एक जगह ही मापते हैं, इसलिए सूक्ष्मदर्शी में थोड़ा सा अलग डायग्राम है, इसका थोड़ा सा अलग है। सूक्ष्मदर्शी में हम क्या करते हैं कि वस्तु यहां होती है तो हम उसको समांतर रेखा खींच के इसी जगह पर ले आते हैं और एक जगह से कोण बना देते हैं ताकि हमें उसकी तुलना कर सके हम, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वस्तु तो अनंत पर है, उसको हमें पता ही नहीं है कितना, तो वो तो किसके हिसाब से, कोण के हिसाब से, इसलिए कोण के अनुसार ही हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, कोण ही तो हमें लेने हैं, कोणों के अनुसार ही तो अनुपात निकालना है, तो वो हम एक जगह से निकालना है, तो देखें कि जो कोण अल्फा इधर है वो इधर है, तो इस त्रिभुज को हम ले लेंगे सी वन ए डैश बी डैश, देखो इस त्रिभुज को हम ले लेंगे, तो इसकी इसके अनुसार आगे इसकी ऊंचाई कोण के अनुसार सेम तो होगी ना, एक जगह पर माप लें इसको। दूसरा इसके अनुसार देखें ए डैश बी डैश सी टू के अनुसार देखें, तो इसमें कोण बीटा आ गया, तो त्रिभुज यहां कोण से लेंगे, इसलिए इस तरह का डायग्राम इसमें बनाया, डायरेक्ट रे को यहां तक नहीं लेके आए हम। तो यहां अल्फा एंगल आ रहा है सी वन ए डैश बी डैश में और बीटा एंगल आ रहा है सी टू ए डैश बी डैश में, बीटा अपॉन अल्फा आवर्धन क्षमता होती है, हमें मान निकालने हैं, वो मान हम यहां से निकाल सकते हैं, दूरियां हमारे पास लिखी हुई है कौन सी प्लस में है कौन सी माइनस है किसका मान क्या होगा, ये तीन ही काम में आएंगे, एफ ओ यू ई और डी, ये तीन ही काम में आएंगे, तीनों के बारे में मैं बताऊं। अब बात आती है आवर्धन क्षमता कहते किसे हैं, किसे कहते हैं कि नेत्र के साथ अंतिम प्रतिबिंब का बनने वाला कोण तथा वस्तु का बनने वाला कोण, इसके अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। ये डेफिनेशन वही कॉमन है, कोई अलग नहीं है। अब आप इसमें एमपी आवर्धन क्षमता का मान निकालते हैं क्या है, मैग्नीफाइंग पावर
एमपी से लिखते हैं इसे, तो एमपी इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन एल्फा, जिसको क्या लिखते हैं टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा। अब आपको दोनों मान निकालने हैं, टेन एल्फा के और टेन बीटा के। दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक तो ये वाला त्रिभुज जिसमें अल्फा आ रहा है, एक ये वाला त्रिभुज जिसमें बीटा आ रहा है। दोनों के मान निकाल ले टेन थीटा लंबट आधार से, तो किससे त्रिभुज ए डैश बी डैश सी वन से, सी वन से सी वन के पास एल्फा है, तो टेन एल्फा लंबट आधार, लंब क्या है ए डैश बी डैश, ये रहा आधार क्या है यहां से लेकर यहां तक ए डैश सी वन। दूसरी बात कौन सा त्रिभुज ले लें, ये वाला त्रिभुज ले लें ए डैश बी डैश सी टू से, ए डैश बी डैश सी टू से, क्या आएगा टेन बीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, ये लंब ये आधार ए डैश बी डैश बटे आधार क्या है ए डैश सी टू। इसे समीकरण में लिख देते हैं, समीकरण एक में मान रख दें, समीकरण एक से याद आया एम पी इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन एल्फा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी टू इन टू, ये रख दें टेन एल्फा रिवर्स कर देंगे तो ए डैश सी वन डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश कैंसिल आउट, एम पी इज इक्वल टू ए डैश सी वन अपॉन ए डैश सी टू, इक्वेशन नंबर से दो। अब हमें क्या करना है, बस आगे की वही प्रोसेस है, अब हमें क्या करना है इन दोनों के मान निकालने हैं। मान हमें दिख रहे हैं यहां से देख के हम इनके मान रख देंगे, समीकरण आ जाएगी उसी को फिर हम लेंस लग रहे हैं इसके अंदर, तो लेंस सूत्र लगा के उसमें कन्वर्ट कर देंगे। फिर दो स्थितियां पूछी जाती है एग्जाम में कि देखने की न्यूनतम स्पष्ट दूरी और बढ़े तो डी ले लेंगे, ठीक है। दूसरा प्रतिबिंब अगर अनंत पर बढ़े, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है अनंत पर बढ़े, तो उसके लिए क्या आ जाएगा इसका मान अनंत आ जाएगा, ठीक है। तो उसके अनुसार हम उस वैल्यू को सोल्व कर लेंगे, दोनों कंडीशन अप्लाई कर लेंगे। पहले कॉमन कंडीशन ले लेते हैं, पहले इनकी मान रखते हैं ए डैश सी वन, देखो ए डैश सी वन ये दूरी निकालनी है अपने को, लेकिन चलना सी वन से, ये ध्यान रखना है। तो इधर चलेंगे हम, यहां तक चलेंगे तो किसके बराबर है एफ ओ प्लस में, ये हमने बात कर ली। तो ए वन ए डैश सी वन का मान आ गया एफ ओ, दूसरा मान ए डैश सी टू का मान, ए डैश सी टू का मान इससे चलना है, इस लेंस की बात कर रहे हैं तो इधर जाएंगे, अपोजिट जा रहे हैं प्रकाश में इधर आ रही है, इसलिए किसमें आएगा माइनस में। तो ए डैश सी टू का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस यू पी, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ जाए तो सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी दोनों इजी वे में हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग जरूर आएगा, कन्फर्म आएगा 2021 में। तो ये मान रख दे इसके अंदर समीकरण दो में, समीकरण दो से एम पी इज इक्वल टू ए डैश सी वन, इसकी वैल्यू रखें एफ ओ अपॉन माइनस यू बी, एक आ गई इक्वेशन ये समीकरण नंबर तीन दे दो, ये तो इसकी सामान्य समीकरण। अब हम बात करते हैं आगे, अब इसमें लेंस सूत्र निकाल लगा के और मान प्राप्त कर लें, लेंस सूत्र लगा के। लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र से क्या है माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एम। अब इसके अंदर दो चीजें हैं लेंस सूत्र से, एक तो प्रतिबिंब देखने की स्पष्ट दूरी पर बढ़ रहा है न्यूनतम दूरी पर, तब तो डी लगाना है, अनंत पे बढ़ रहे हैं तो अनंत लगाना, बस यही बात ध्यान रखें। अनंत पर लगाएंगे तो एक अलग कंडीशन आ जाएगी, यू ई जो है वो एफ ई के बराबर आ जाएगा, तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर बस, या यू ई जो है वो सीधा हो जाएगा एफ ई के बराबर, यू ई और एफ ई बराबर होते हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। हम इस बात को यहां से भी सिद्ध कर सकते हैं अभी, लेकिन हम बाद में बात करेंगे इसकी, पहले हम एक चीज ले लेते हैं, जब प्रतिबिंब कहां बन रहे हैं देखने की न्यूनतम स्पष्ट दूरी के लिए प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, ये कह सकते हो जब प्रतिबिंब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी पर बने, उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं।
दो कंडीशन दे दी जाती है जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा अप्लाई करना है हमें, अनंत के लिए कंडीशन अप्लाई कर देंगे, फिर वी का मान अनंत है बस। अब यहां से देखो यू बराबर तो क्या है, इस लेंस की बात कर रहे हैं हम, इस लेंस की यू का बराबर क्या है माइनस यूवी, ये वी बराबर क्या है माइनस का डायरेक्ट डी रख दें, पहले वी रखेंगे फिर डी रखेंगे, डायरेक्ट डी रख दें, और एफ तथा एफ बराबर क्या है एफ पी फोकस दूरी, उत्तर लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है पता है, ये रख दें तो माइनस वन अपॉन माइनस यूई प्लस वन अपॉन माइनस का डी प्लस बराबर वन अपॉन एफ पी, तो ये आ गया वन अपॉन यूई, ये इधर चला जाएगा वन अपॉन एफ पी प्लस वन अपॉन डी, यहां से ये वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन यूई इज इक्वल टू वन अपॉन डी को इधर ले जाए तो आ जाएगा वन अपॉन एफ पी प्लस वन अपॉन डी, एफ ई से गुणा कर दे इसको, एफ ई से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा एफ ई अपॉन यूई, और ये हो जाएगा एफ ई अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी। अब देखो यहां से हम क्या करें, वन अपॉन यूई का मान रखते हैं, एफ ई को चाहे तो इधर ले जाए हम, इधर ले जाए, इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा वन अपॉन यूई इज इक्वल टू एफ ई, इधर गुणा में इधर के भाग में आ गया वन अपॉन एफ ई, सभी क्या आएगा ये वन प्लस एफ ई अपॉन डी। अब देखो हमें तो किसका मान निकालना है, एम पी का मान निकालना है, तो उसके लिए जैसे सूक्ष्मदर्शी में रिलेशन यूज कर रहे हैं वैसे यहां भी वैसे करेंगे, क्योंकि एम पी इज इक्वल टू क्या है एफ ओ अपॉन माइनस यूई है, माइनस यूई है, तो हम क्या करें यूई का मान निकाल लें, किसकी फॉर्म में आ जाएगा एम पी की फॉर्म में, वो याद रख देंगे। तो यहां से देखें तो मैं ब्रेक इन लिख दे रहा हूं, दिखाई दे रही है ठीक है, समीकरण तीन से देखें आप, समीकरण तीन से यहां से लिख रहा हूं, UE इधर आएगा MP इधर आ जाएगा, तो UE इज इक्वल टू आ गया FO अपॉन माइनस MP, क्योंकि अपने को तो आवर्धन क्षमता ही निकालनी है, आवर्धन क्षमता के लिए रिलेशन है अपने पास ये, इसका यूज करेंगे, जैसे वहां पर भी अपने D अपॉन FP का यूज किया था वैसे यहां पर भी ये यूज करना है, तो वन UE का मान रखेंगे क्या आएगा वन अपॉन यूई एफओ अपॉन माइनस एमपी है तो ऊपर चला जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा एम पी माइनस इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई इंटू वन प्लस एफ ई अपॉन डी। अब एम पी का मान निकालना है तो क्या करें एफ ओ भाग में इसको इधर लाके गुणा में कर दें, साथ में माइनस को भी इधर ले आए तो माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू वन प्लस एफ ई अपॉन डी, इस फॉर्म में दिया जाता है सिद्ध करो अगर कहा जाए तो ये फॉर्म दी जाती है, इसीलिए हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, एमपी यहां से तो डायरेक्ट आ जाएगा इन वैल्यूज को रखने के बाद में, लेकिन यहां से इसके बाद में क्या करना है आपको लेंस सूत्र अप्लाई करना है, लेंस सूत्र अप्लाई करने में कंफ्यूजन हो तो केवल इतना आप ध्यान रख लें कि हमें एमपी की वैल्यू निकालनी है, मैग्निफाइंग पावर की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू कहां से आएगी इस फॉर्म से आएगी, इसलिए वन अपॉन यूई की फॉर्म बना लो यार, चाहो तो वन अपॉन यू का मान डायरेक्ट रख दो एफ ई कर, बात तो वही है वन अपॉन यूई का रख दो या यूई का रख दो। अब ये तो आ गई सामान्य इक्वेशन अपने पास, जो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा अनंत पर बने, सॉरी देखने की स्पष्ट दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर बनेगा। इसी स्थिति में ये दूरदर्शी की लंबाई है, ये आप ध्यान रखें वहां चाहे तो वहां लिख लें, इसी स्थिति में दूरदर्शी की जो लंबाई है वो ये है, दूरदर्शी की लंबाई क्या है L बराबर एफ ओ प्लस यू ई, ये अब देखें अगर प्रतिबिंब देखने की स्पष्ट दूरी पर न बनकर कहां पर बने अनंत पर बने, तो अलग कंडीशन है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा उसके लिए सोल्व कर लें, कंडीशन वही है अपने पास
फॉर्मूला वही है अपने पास, लेंस सूत्र लगाते हैं, लेंस सूत्र से क्या है वही माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ। तो u तो क्या आ गया, u तो आ गया माइनस का यू ही, v क्या आ गया अनंत, और f क्या आ गया एफ ही, ये मान रखिए इसके अंदर। तो ये आ जाएगा माइनस वन अपॉन माइनस यू प्लस वन अपॉन अनंत इज इक्वल टू वन अपॉन, ये वैसे ये माइनस में आएगा भी अनंत, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक बटा अनंत जीरो होता है, तो वन अपॉन एफ ही, ये तो हो गया जीरो, वन अपॉन अनंत होता है जीरो, ये तो हो गया जीरो, और यू की जगह यू ई, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू क्या आ गया वन अपॉन एफ ई, दोनों को ही वजन गुणा कर दो, दोनों को ही रिवर्स कर दो, तो यू ई इज इक्वल टू क्या आ गया एफ ई। तो यहां से ये बात इंपॉर्टेंट है, यहां से क्या आ रही है एक बात और निकल गए कि यू ई जो है वो एफ ई के बराबर होता है। तो ऐसी स्थिति में इस दूरदर्शी की नली की लंबाई क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी जो हमने यहां लिखा है एफ ओ प्लस यू ई, तो यू ई किसके बराबर सिद्ध हो गया एफ ई के बराबर सिद्ध हो गया। इसीलिए एग्जाम में इन दोनों लेंसों की फोकस दूरी दे दी जाती है, तो उस स्थिति में नली की लंबाई, सूत्र तो अभी हम निकाल लेंगे इसका, लेकिन नली की लंबाई क्या आएगी इसी स्थिति में, नली की लंबाई आएगी एफ ओ प्लस एफ ई। ये महत्वपूर्ण बात है, ये आप जरूर इसका ध्यान रखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। तो नली की लंबाई जब प्रतिबिंब कहां पर बढ़ रहा है, अनंत में बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में नली की लंबाई को लिख सकते हैं एफ ओ प्लस एफ ई। ये महत्वपूर्ण बात है फॉर न्यूमेरिकल, इस बात को ध्यान रखें आप कि न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे देख रहे हैं इसके बारे में, अब इसमें लास्ट इसकी बात है इसकी आवर्धन क्षमता, कौन सी स्थिति में सोल्व कर रहे हैं आवर्धन क्षमता, जब प्रतिबिंब कहां पर बन रहे हैं, कहां पर बन रहा है अनंत पर बन रहा है, तो अनंत पर बन रहा है तो उसके अंदर एक बात आ गई बस, वो हमें ध्यान रखनी है, क्या आ गया कि यू ई जो है वो एफ ई के बराबर है, बस ये बात आ गई, ये बात ही हमें अप्लाई करनी है। तो आवर्धन क्षमता सामान्य हमने निकाल ली थी, क्या है लिखी हुई है ना समीकरण नंबर तीन में, देखो आप एम पी इज इक्वल टू लिखा हुआ है एफ ओ अपॉन माइनस यू यू ई, लेकिन हमने इसमें क्या सिद्ध कर दिया कि अनंत पर बढ़ेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, इसी स्थिति में यू ई जो है वो किसके बराबर होगा, इसीलिए हमने नली की लंबाई में भी एफ ओ प्लस एफ ई लगा दिया, और ये इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। अब यहां पर भी क्या लगा दें, यू ई की जगह एफ ई लगा दें, तो एम पी इज इक्वल टू क्या आ गया एफ ओ अपॉन एफ ई, माइनस तो रहेगा ये इसकी आवर्धन क्षमता आ गई है। नेक्स्ट बात ये डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाए, तो इस तरह से क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल आते हैं मोस्टली इस तरह के आते हैं, वैल्यू पुट करो और रिजल्ट आ जाएंगे। अब देखो नली की लंबाई, एक नोट डाली एक बात और लिख लो, न्यूमेरिकल के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जो भी ब्रैकेट में बंद की गई है ये सब चीजें काम आएगी न्यूमेरिकल के लिए, सिचुएशन आपको दे दी जाएगी और न्यूमेरिकल में अप्लाई हमें करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर एक बात और नोट डाल के आप लिख लो कि अपने पास सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं, सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं कि नली की जो लंबाई है वो एफ ओ अपॉन एफ ओ प्लस यू ई है, एल इज इक्वल टू क्या है एफ ओ प्लस यू ई है, तो इसको एक अलग फोरम में भी अगर एफ ई का यू ई का मान न हो तो हमारे पास एफ ई और डी का मान हो तो आप इस समीकरण का यूज कर सकते हैं, इस समीकरण ये बात आप ध्यान रख लें, कौन से लागू ये लागू, यहां से यू ई का मान निकाल लो, अगर एफ ई और डी की फोरम में क्वेश्चन है तो आप वहां से इसका मान निकाल के रख सकते हो, ठीक है डायरेक्ट फॉर्मूला भी ध्यान रख सकते हो। तो अपने पास उसको सोल्व कर लेते हैं, वन अपॉन यू इज इक्वल टू क्या है वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन डी, एलसीएम आएगा एफ ई मल्टीप्लाई डी, क्या आ जाएगा एफ ई प्लस डी वन अपॉन यू ई, रिवर्स कर दो तो यू इज इक्वल टू क्या आ गया, इसको भी उल्टा कर दें एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी,
ये बात आ गई और ये बात पुट कर दो इसकी जगह, तो L इज इक्वल टू आ गया एफ ओ प्लस एफ टी इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी।